नोएडा के सेक्टर 69 स्थित एनली ग्लोल्फ सोसाइटी में बीती शाम 7 वर्षीय बच्ची लिफ्ट में फंस गई। करीब 20 मिनट तक अलार्म बजाती रही, मदद नहीं मिलने पर वह रोने लगी। लिफ्ट में उसकी सांस घुटने लगी। लिफ्ट के बाहर खड़े सुरक्षा कर्मी समेत अन्य लोग उसे ठासा देते रहे। सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम के साथ तकनीकी स्टाफ के पहुंचने के बाद बच्ची को बाहर निकाला गया। बच्ची कल शाम 6:45 से लेकर 7:05 तक लिफ्ट में फंसी रही। बाहर आने के बाद बेटी को सामान्य होने में कई घंटे लग गए। पुनीत ने बताया है कि रात को सोने तक वह परेशान रही। बच्ची के पिता ने मेंटेनेंस एजेंसी और बिल्डर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर पुलिस प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी। सोसाइटी निवासी अन्य लोगों ने एक्स पर वीडियो शेयर कर नाराजगी जाहिर की है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।